नमस्कार, मैं हूं प्रणव से मल्टी प्रणवानंद और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना व कुमाऊं मंडल में एम्स के सैटेलाइट सेंटर सहित कई अन्य योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। निर्देशन में यहाँ पर काम कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी, वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह चार धाम ऑल वेदर रोड है भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजनाएं जहां चार धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा।